हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए स्मॉल बैंक, छोटा सा बैंक है भाई, स्मॉल फाइनेंस बैंक आप इसको कह सकते हो। आज की डेट यानी कि 22 जनवरी, दो छोटे बैंक्स का रिजल्ट आया अभी कुछ टाइम पहले। मैंने, आप देख सकते हो, लेटेस्ट वीडियो जो एक बनाया है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q3 का नतीजा है, वहाँ पर भी डबल प्रॉफिट हुआ था। और आज की डेट में इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी रिजल्ट, और यहाँ पे भी डबल प्रॉफिट हुआ है। शेयर तो नहीं तो उड़ना ही था, और शेयर तो पहले से ही उड़ने लग गया था। लगता है लोगों को भनक थी कि इस क्वार्टर में नतीजा बेहतरीन आने वाला है। चलिए देखते हैं शेयर को टेक्निकल फंडामेंटल लेवल पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मेन रिक्वायरमेंट होती है डीमैट अकाउंट की, तो जाइए अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक दिया हुआ जिससे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अब लेके चलता हूँ आपको मैं स्मॉल बैंक की तरफ। जरा देखें स्मॉल बैंक को, नाम है इसका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, डबल रिजल्ट। लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जरूर है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन 26-27 हज़ार करोड़ का हो चुका है इसका, और 880-890 के आसपास का प्राइस है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, कितना बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये शेयर। लेकिन यहाँ पे जो नतीजे आते हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त। अब ग्रोथ देखिए, कभी 50 करोड़ का रिवेन्यू था, आज की डेट में 3600 करोड़ का रिवेन्यू है। कभी 12 करोड़ का प्रॉफिट था, आज की डेट में 500 करोड़ का प्रॉफिट है। औसम नंबर्स, ये नंबर सब कुछ बोलते हैं। और जो रिजल्ट आया है वो अभी 9:30 बजे रिजल्ट आया है, 22 जनवरी 21-26-52, 9:30 बजे रिजल्ट आया है। यानी कि इसका असर कल की डेट 23 जनवरी को आपको सीधे सीधे मार्केट में ओपन होते ही देखने को मिलेगा। जरा देखते हैं इसका नंबर, ये देखिए, ये नंबर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। मैं आपको नंबर डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं, तो समझने की कोशिश किया कीजिए, ये बहुत फायदेमंद होता है अगले दिन के लिए। ये नंबर सारे लैक्स में है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कहाँ से, इंटरेस्ट अर्न से। कभी भी जब हम बैंक का रिजल्ट देखते हैं तो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट बैंक ने कमाया। पिछले साल दिसंबर क्वार्टर की बात की जाए, क्योंकि ये सब नंबर लैक में है, तो 788 करोड़ का ये नंबर है पिछले साल का इंटरेस्ट। लेकिन इस साल अमेजिंग 1111 करोड़, मतलब पिछले साल के कंपेरिजन में आप देखिए कितना इंटरेस्ट कमा लिया। उसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम पे, इन्वेस्टमेंट पे इनकम है, और भी अदर इनकम है, तो सारा कुछ अगर मिलाया जाए तो 1272 करोड़ का टोटल इनकम। अरे वाह, मजा आ गया भाई। पिछले साल ये कितना था, 894 करोड़, सीधे सीधे ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास का जंप, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन यही नहीं देखना अभी हमको, हमको तो प्रॉफिट देखना है, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। अब देखते हैं डिटेल में, और फिर अर्निंग पर शेयर देखते हैं। बैंक का शेयर है तो एनपीए भी देखेंगे। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिफोर टैक्स, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 272 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि पिछली बार कितना था, 146 करोड़ का था। ओवरऑल प्रॉफिट को अगर देखा जाए तो 95 करोड़ का नंबर कितना आया इस बार, 190 करोड़। ऑसम, अमेजिंग, डबल मैं कहूँगा, सीधे दो गुना प्रॉफिट। आप देखिए, खुद देखिए, आप क्लियरली देख पा रहे हो। BSE की रिपोर्ट मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, ये नहीं कि किसी मीडिया रिपोर्ट को पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए क्लियरली 95 करोड़ से सीधे 190 करोड़, मैं कहूँगा अमेजिंग। अब ऐसा रिजल्ट आएगा तो भाई इन्वेस्टर तो खुश हो ही गए होगा, और नया इन्वेस्टर भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा, नंबर ही इतने जबरदस्त आए। अब आगे देखिए, अर्निंग पर शेयर जो ₹3.26 का था वो ₹6.42 का हो गया। ऑसम भाई, अर्निंग पर शेयर तो बढ़िया, अगर प्रॉफिट दिखाया तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। लेकिन एनपीए देखते हैं भाई, एनपीए जो है उसमें अगर सुधार आया है तब तो बहुत ही बेहतरीन बात है। क्या एनपीए में सुधार आया है, ग्रॉस एनपीए देखते हैं, 2.09% से 1.88%, अमेजिंग, मतलब सुधार आया है। एनपीए गिरने का मतलब सही, ये देखिए 1.31% से 1.01%, तो एनपीए में भी सुधार, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी भाई। पहले तो रिजल्ट इतना बढ़िया कि डबल प्रॉफिट, फिर एनपीए में भी अच्छा ही। और सेम फ्रेम पे मैंने किसका, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आज का रिजल्ट देखा था, बिल्कुल सिमिलर टर्म्स में, और डबल प्रॉफिट, एनपीए में भी सुधार। तो कल की डेट में सुबह सुबह इन दो शेयर्स को आप देख लें, इन दो शेयर में बड़ा उछाल आ सकता है भाई, इन दो शेयर में। ऑलरेडी मैं आज के जो रिजल्ट हैं, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, SBI लाइफ का, और आपका L&T का रिजल्ट, और साथ में ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बेहतरीन रिजल्ट। अभी हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, अभी हम आगे डिटेल देखेंगे, समझेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को, हम टेक्निकल लेवल पे जाएंगे। जरा देखिए इस शेयर को, ये डेली पर्सपेक्टिव का चार्ट है। मैं आपको बार बार टेक्निकल समझाने की कोशिश करता हूँ, कहता हूँ ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, लेकिन ब्रेकआउट देखिए, ये स्टॉक बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और रेंज में ट्रेड करता करता देखिए यहाँ पे बिल्कुल पीक को टच करने के बाद हल्का सा नीचे गया, यानी कि ब्रेकआउट के आसपास कंसोलिडेशन,
बिफोर या आफ्टर, अच्छी बात है भाई। ब्रेकआउट के आसपास इस तरीके से हल्का सा कंसोलिडेशन, इसको आप एक माइनर करेक्शन कह सकते हैं, और उसके बाद क्या रैली आई, अमेजिंग रैली मैं कहूंगा। आप देखिए किस तरीके से अपना एक छोटा सा वी बना और उसके पिवट बना यहाँ पे, उसके बाद क्या रैली आई। अगर किसी ने इस ब्रेकआउट के लेवल पे इस कैंडल के बाद यानी कि 850 पे एंट्री की होती तो आप देखिए 30-40 रुपये पर शेयर की ब्रेकआउट जो खेलते हैं, कई लोग ब्रेकआउट खेलते हैं, कई लोग यहाँ पे लोअर बॉटम से अपर बॉटम पे, कई लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचता है, तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज है। और यहाँ पे बढ़िया जंप, अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को मैं देखता हूँ आपको हर लेवल से, मंथली पे देखते हैं, वीकली पे देखते हैं, फिर देखेंगे हम किस पे, डेली पे, और उसके बाद देखेंगे आवरली पे। जरा देखें ये मंथली चार्ट है, बहुत टाइम से जैसे अभी मैंने आपको एक पर्टिकुलर रेंज दिखाई थी, एक छोटी सी रेंज, पूरा मंथ की रेंज थी, लेकिन अगर मंथली चार्ट पे देखो तो एक छोटा सा कैंडल था। ये पर्टिकुलर रेंज की मैं बात करूँ, पूरा का पूरा नवंबर से दिसंबर वाला ये कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखिए कितनी छोटी सी कैंडल थी, और उसके बाद फिर से रैली स्टार्ट। और इससे पहले आप देखिए मंथ में पूरा का पूरा अगर मैं बात करूँ, जब से ये मार्केट में आया है यानी कि 2017 से ये मार्केट में आया है जुलाई से, और ये आप एक पर्टिकुलर रेंज में ये ट्रेड हो रहा था, और ये रेंज का जो बॉटम पॉइंट था 500 के आसपास था, और अपर पॉइंट था वो 750 के रेंज में था, लेकिन ये रेंज एक बार पार हुई फिर सीढ़ी, अगली सीढ़ी को तैयार। और आप देख सकते हो कि मंथली चार्ट में जो ये इस तरीके से इंडिसीजन वाली कैंडल होती है बॉटम पॉइंट पे, अच्छा पॉजिटिव माना जाता है यहाँ पे भाई। इसीलिए मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे बताने की कोशिश करता हूँ, क्यों, उससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती है। अब आप देखिए पूरी पिक्चर, जो ये कैंडल्स बनी थी यहाँ पे, ये बॉटम पॉइंट आप देखिए किस तरीके से, क्या फॉर्मेशन था, और इस फॉर्मेशन को जब हम अप ट्रेंड में कहते हैं कि अप ट्रेंड आ गया है, क्या डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, वो कैसे कहते हैं। देखिए यहाँ तक कोई ये नहीं कहेगा कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, कोई कहेगा कि भाई अभी ये जो करेक्शन आया था उसके लिए हल्की सी रैली थी, लेकिन डाउन ट्रेंड खत्म हो गया वो पता लगेगा जब ये रैली, जो ये रैली यहाँ से छोटी सी नीचे करेक्शन आया इस रैली का, यानी कि 500 से जब शेयर गया 660 पे, और फिर जो करेक्शन आया यहाँ पे 545 पर, उसके बाद स्टॉक ऊपर मूव करने लग गया, इट मीन्स डाउन ट्रेंड इज ओवर नाउ। हाउ यू कैन से डाउन ट्रेंड इज ओवर नाउ, क्योंकि भाई इसने लोअर लो फॉर्मेशन, जो ये लो पॉइंट था इससे अगला जो लोअर पॉइंट था वो तो बनाया नहीं, इट मीन्स डाउन ट्रेंड की जो बेसिक डेफिनेशन है कि इट विल फॉर्म लोअर लो एंड लोअर हाइज, वो आपकी फेल होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट और कन्फर्मेशन चाहिए तो आपका ये लाइन जैसे ही पार हुआ, ये वाला पॉइंट 664 वाला ये पॉइंट पार हुआ, इट मीन्स इट इज कन्फर्म दैट वी हैव अ न्यू हाई नाउ, देन इट इज अप ट्रेंड नाउ। इट इज अप ट्रेंड कैसे, कि भाई अब हमारे पास क्या है, हायर हाई की फॉर्मेशन होगी, दिस इज द H1, दिस इज H2, हायर हाई फॉर्मेशन, एंड वी हैव अ हायर लो फॉर्मेशन, एंड नाउ दिस इज द अगेन अ करेक्शन काइंड ऑफ थिंग, एंड करेक्शन काइंड ऑफ थिंग आप देख सकते हो, तो L1, L2, L3, नाउ वी हैव थ्री लोअर पैटर्न यानी कि हायर लोज, एंड नाउ वी नीड अ हायर हाई, तो स्टॉक में जंप आएगा। जंप आने के लिए कौन सा पॉइंट है, 713 का ये ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आए शेयर में, जंप आया शेयर में, नाउ वी हैव अ थर्ड कौन सा हाई, हायर हाई। तो देखिए किस तरीके से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की यही निशानी है, और अगेन उसके बाद देखिए फिर से कंसोलिडेशन आता है, कंसोलिडेशन आप देख पा रहे हो इस टाइम पे, ये बिल्कुल करेक्शन ना होके एक फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन थी, फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन जहाँ पे एक नया लो बनाऊंगा, मैं कहूँगा इसको एक नया लो था ये, और उसके बाद फिर से एक नई रैली, अब देखिए नई रैली आ गई, अब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद फिर से इस रैली में थोड़ा सा और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, फिर एक करेक्शन फेज आएगा, तो उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि पूरे साल का जो कंसोलिडेशन होगा वो वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपका ये फिर और एक नया उछाल इसमें आएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल देखिए पूरा का पूरा टेक्निकल आपको, अगर आप भूल जाएं अभी कोई न्यूज़ है, कोई रिजल्ट है, तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से टेक्निकल आपको पिक्चर क्लियर करके बता रहा है। इसीलिए मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार चार टाइम फ्रेम एक साथ बताने की कोशिश करता हूँ। और अभी जिसकी हमने बात करी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करी, जो 2017 से मार्केट में था, लेकिन रैली असली अब दिखा रहा है, रंग अपने अब दिखा रहा है, और प्रॉफिट आपने ऑलरेडी देखा कि क्या प्रॉफिट आया, मज़ेदार प्रॉफिट। जब मज़ेदार प्रॉफिट होगा तो शेयर भी मज़ेदार तरीके से उछाल दिखाएगा। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इतना सारा कुछ देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट, कोटेक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड, इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज यहाँ पे इन्वेस्टेड है, इवन SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, UTI इक्विटी फंड, ये सारे फंड हाउसेज, कोटेक फंड, सब इन्वेस्टेड है। मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे पहले ही धाक जमा रखी है, सबको पता है भाई बढ़िया करेगा शेयर। चलिए ये अपडेट था किसके लिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से। क्या ये कभी कुछ डिविडेंड देता है, देखिए थोड़ा थोड़ा डिविडेंड इसने दो बार जरूर दिया है, वो भी कितना, अगर मैं रुपीज़ के हिसाब से करूँ तो 75 पैसे का डिविडेंड जरूर दिया है, और कोई बोनस इसने अभी नहीं दिया। चलिए ये अपडेट था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी आती रहेगी। एंड
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।